हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यमन और आपका स्वागत है हमारे किचन में। आज बनाते हैं हम लोग पिज्ज़ा की रेसिपी सूजी से। इसमें मैदा नहीं डलेगा दोस्तों और तवे पर आसानी से बन जाएगा। यीस्ट भी नहीं डालना पड़ेगा बिना ओवन के। आप चीज़ देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हुई है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे बढ़िया रेसिपी के साथ साथ। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग मिक्सर का जार लेंगे, उस पर हम लोग डो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी ली है 1 कप, ये रेगुलर गेहूं वाली सूजी है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है 1 चम्मच। आपको इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करना पड़ेगा 1 टीस्पून दोस्तों, और साथ ही में हल्का सा बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा हल्का सा ऐड कीजिएगा, वरना ये कड़वा हो सकता है। पिज्ज़ा को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए कविता जी ने मुझे सजेस्ट किया कि इसमें हल्का सा चावल का आटा ऐड करें। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब कवर कर आप इसका एक पाउडर बना लीजिएगा। लास्ट में ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए दोस्तों, इसमें सूजी के दाने नहीं दिखने चाहिए। ये हम लोग का आटा तैयार है पिज्ज़ा बनाने के लिए। तो इसको एक परात में ऐड कर लीजिए और बीच में हल्की सी जगह बना लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग चीनी ऐड करेंगे 1 चम्मच। चीनी से पिज्ज़ा मीठा नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग दही ऐड करेंगे ना, उसकी वजह से खट्टा भी नहीं लगेगा। तो 1 चम्मच चीनी ऐड कीजिएगा, फिर आप घर की दही इस्तेमाल कर सकते हो इसका एक आटा बनाने के लिए। दही ऐड करने की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है दोस्तों, आपको बस इसको यूज़ करना है आटा बनाने के लिए जब तक वो एक साथ नहीं आ जाए। जब सूजी का पाउडर एक साथ आ जाता है तब आप क्या कीजिए, पानी इस्तेमाल करिए और इसका एक नरम आटा बना लीजिए। ये जो डो है आपको 2 मिनट तक नीड करना पड़ेगा बेस्ट रिजल्ट के लिए। बहुत ही नरम डो हम लोग ने इसका बना लिया है, एक साथ आ चुका है ये। अब हम लोग इसको कवर कर 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप 10 मिनट भी दे सकते हो। 2-3 मिनट के बाद आप एक चकला ले लीजिए। अभी हम लोग इसको पिज्ज़ा की शेप देंगे। तो सबसे पहले मैं ये आटा ले लेता हूँ। आप देखिए कितना स्टिफ हो चुका है, सूजी पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है दोस्तों। अब हम लोग सूजी ही इस्तेमाल कर इसको पिज्ज़ा की शेप देंगे। तो बेलन इस्तेमाल कर हम लोग इसको पिज्ज़ा बेस की तरह राउंड शेप देंगे, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, इसके जो साइड्स रहते हैं ना, वो स्मूथ नहीं रहते हैं। अरे यमन, एक बार आप साइड हटिए, मैं बताती हूँ कैसे ये साइड के जो कॉर्नर्स है उसको कैसे स्मूथ करते हैं। रुकिए, एक बार आप ये बेलन हटा लीजिए और ये देखिए। अरे वाह, बहुत अच्छी टिप है कविता जी। ये राउंड हो चुका है और ये रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पकाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कोई भी तवा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस उसका जो लिड होता है या कवर होता है ना, वो राउंड रहना चाहिए। इस पे सबसे पहले आपको 2 चम्मच बटर या फिर घी इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग ने यहाँ पर गार्लिक बटर यूज़ किया है एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए। इसके ऊपर अभी हम लोग ने जो पिज्ज़ा बेस बनाया है सूजी का, ये रखकर इसको घुमा लेंगे ताकि जो गार्लिक बटर है वो चारों तरफ फैल जाए। हल्का सा हम लोग शेप और मिला रहे हैं इसका कविता जी की टिप से। उसके बाद हम लोग इसको पकाने के लिए रखेंगे लो फ्लेम पर। तो इसको लो फ्लेम पर आपको 2 से 3 मिनट तक कवर कर पकाना है ताकि ये नीचे से रोस्ट हो जाए। वैसे अगर आप चाहो तो जो कांटा या फोर्क होता है ना, उससे इस पर होल्स भी बना सकते हो ताकि ये पूरा ना फूल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी गैस को ऑफ कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा ना जले। और ऊपर की तरफ हम लोग अभी फिर से गार्लिक बटर को अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो घी भी अप्लाई कर सकते हो, इससे रोस्टिंग का मस्त इफ़ेक्ट आएगा। ये रेडी है। तो अभी हम लोग इसको फ्लिप करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, गैस आपको अभी ऑफ रखनी है। इस तरफ अब हम लोग पिज्ज़ा की सजावट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पिज्ज़ा सॉस इस्तेमाल करी है 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो इसमें हल्की सी केचप मिला सकते हो, उससे फ्लेवर और बढ़िया आएगा। तो केचप वाली पिज्ज़ा सॉस को अच्छी तरह अप्लाई कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करी है। चीज़ तो चलिए ऐड कर दी, लेकिन ऊपर मेरे से सजावट अच्छी तरह नहीं हो पाती है। आप आपकी फेवरेट वाली टॉपिंग इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तो यमन, मैं करती हूँ, लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक होता है, तो सजाऊंगी मैं इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे ये एलोपिनो, उसके बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च सजा देंगे, फिर ये कटे हुए टमाटर, फिर इसके ऊपर प्याज, और लास्ट में हम इसके ऊपर ये कॉर्न डाल देंगे। अरे वाह कविता जी, ये तो आपने बिल्कुल टीवी ऐड वाला पिज्ज़ा जैसे सजा दिया है इसको, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग इसको पकाएंगे। तो पकाने के लिए फिर से आपको इस पे ढक्कन लगाना है और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे ताकि ये नीचे से भी गोल्डन हो जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। यमन, एक बात बताइए। हाँ बोलिए।
बहुत बार चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होती, जैसा अवन में मेल्ट होता है वैसे तवे पे मेल्ट नहीं होती, उसका क्या रीज़न होता है? इसका एक बहुत ही इजी तरीका आपको बताता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट के बाद आप ढक्कन को हटा लीजिए और इसमें पानी ऐड कीजिएगा 1 चम्मच के आसपास। इससे क्या रहता है, स्टीम बनती है बहुत ज़्यादा, आप देखिए कैसे तवे पर बन रही है, इसकी वजह से चीज़ इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ट्रिप है, मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी नेक्स्ट टाइम। देखिए पूरी 4 मिनट हो चुकी है, हम लोग का पिज्ज़ा भी नहीं जला और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल बाजार जैसा पिज्ज़ा लग रहा है। स्टीम भी आपने देखा कितनी अच्छी तरह बनी थी, अब इसको निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर अभी पिज्ज़ा हर्ब्स भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो ये हम लोग का पिज्ज़ा बिल्कुल रेडी है, आप चाहो तो इसको सर्व करने से पहले चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हो। इसको कट करता हूँ पीसेज में। वाह यमन, ये तो एकदम टीवी के ऐड जैसा पिज्ज़ा दिख रहा है, मेरे लिए बड़ा वाला पीस कट करना, ये आधा मेरे लिए रख दो और आधा में आप लोग शेयर कर लो। पूरा पिज्ज़ा ही कविता जी आपके लिए बनाया, तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितना चीज़ी बना है हम लोग का पिज्ज़ा। सूजी से बना है तो क्रिस्पी तो है ही, साथ ही में आप ऊपर देख सकते हो बहुत ही चीज़ी बना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़ा आएगा। तो आप सभी को कैसी लगी ये आज की रेसिपी बताइएगा, मैंने जो आज कविता जी के लिए बनाया है। आप भी थैंक यू सो मच। यमन ने मेरे लिए पिज्ज़ा बनाया जो कि बहुत ही टेस्टी था और खाने के बाद हमको शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा और हम दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए रेसिपी में, लेकिन अपने अपने चैनल में। बिल्कुल, बाय बाय। आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी बना है, चीज भी अच्छी तरह मेल्ट हुई है। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं हूँ यमन और आप ये हेलो फ्रेंड्स, मुझे दिल बन रहा है। अरे हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स फाफड़ा खा लो। नहीं पिज्जा से सूजी पिज्जा। तो उम्मीद है कि आज की ये सूजी पिज्जा की रेसिपी आपको पसंद, सूजी पिज्जा था सूजी सैंडविच। हाँ दो रेसिपी साथ में बना के कंफ्यूज है।